के संविधान को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ करार देते हुए महान ग्रंथ की महत्वता को कभी भूलने की हिदायत न्यायाधीश मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपुर तथा यवतमाल जिले के अभिभावक न्यायाधीश वीएम देशपांडे ने उपस्थितों से की है। विधिग्रस्त न्यायालय में शनिवार को आयोजित भारतीय संविधान उद्देशिका फलक अनावरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। दिग्रस्त न्यायालय में शनिवार को भारतीय संविधान उद्घोषिका फलक अनावरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपुर न्यायाधीश वीएम देशपांडे के आगमन पर दिग्रस्त बार एसोसिएशन की महिला सदस्य एडवोकेट आरती सवनी और एडवोकेट पुष्पमाला भगत ने तिलक लगाकर और ऑक्शन किया। इस दौरान दिग्रस्त बार एसोसिएशन की महिला तथा पुरुष सदस्यों ने मान्यवरों का स्वागत किया। इस मौके पर मंच पर प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश वीपी पाटकर, दिग्रस्त दीवानी न्यायाधीश एसएन रामटेके, महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल सदस्य एडवोकेट आशीष देशमुख, दिग्रस्त बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट फरहाद वर्षानी सहित वकील बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में वीएम देशपांडे ने अपने विचार व्यक्त किए कि या गावामध्ये मी जेव्हा पहिल्यांदा आलो ते यवतमाळ जिल्ह्याचा पालक न्यायमूर्ती म्हणून नुसतंच ते नाही तर ज्या घटनेने मला या पदावर विराजीन केलेलं आहे त्या घटनेचं उद्देशिकेचं उद्घाटन करायचा मला मौका मिळाला याच्यासारखा मी माझा स्वतःला फार भाग्यवान समजतो। मित्रांनो, आशिषने आपल्याला सांगितलंच की आपल्याला हे जे उद्देशिकेचं उद्घाटन करायचं होतं, त्याचं वाचन जे करायचं होतं ते आपल्याला जवळपास एक वर्ष अगोदर करायचं होतं, परंतु काळ आणि परिस्थिती अशी होती की त्यावेळेला आपण ते ताबडतोब करू शकलो नाही। कार्यक्रम में दिग्रस सहित यवतमाल, पुसद, आर्नी, दारवा के बार एसोसिएशन सदस्य वकील बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन दिग्रस न्यायालय न्यायाधीश नितिन ढोके ने किया। वही एडवोकेट फरहाद वर्षानी ने आभार व्यक्त किया। ऐतिहासिक कार्यक्रम मध्ये कोरोना संकटा काल वकील संघटनेला दिलेला शब्द पाडून वकील संघटनेने दिलेला आमंत्रण स्वीकारून आमच्या कार्यक्रमाची ज्यांनी शोभा वाढविणारे आमच्या जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती, मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूरचे न्यायमूर्ती लॉर्डशिप श्री व्ही एम देशपांडे साहेब यांचे दिग्रस वकील संघातर्फे मी आभार मानतो। तसेच यवतमाळ जिल्ह्याचे प्रधान जिल्हा सत्र न्यायाधीश श्री व्ही पी पाटकर साहेब यांनी सदर कार्यक्रम घेण्याबाबत आम्हाला वेळोवेळी मोलाचे मार्गदर्शन दिले, त्यामुळे त्यांचे मी दिग्रस वकील संघातर्फे आभार मानतो। तसेच दिग्रस येथील एस एल रामटेके साहेब भारतीय संविधान उद्घोषिका फलक अनावरण कार्यक्रम में मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपुर तथा यवतमाल जिले के अभिभावक न्यायाधीश वीएम देशपांडे, प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश वीपी पाटकर, महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल सदस्य एडवोकेट आशीष देशमुख, दिग्रस्त न्यायालय के दीवानी न्यायाधीश एस एल रामटेके आदि ने अपने विचार प्रकट किए। मालूम हो कि उपरोक्त कार्यक्रम वैसे तो संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के दिन यानी 14 अप्रैल को आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा उस वक्त कार्यक्रमों के आयोजन पर पाबंदी लगाई गई थी, इसलिए इस कार्यक्रम के आयोजन में विलम्ब हुआ। बहरहाल कार्यक्रम में वरिष्ठ एडवोकेट साजिद वर्षानी, वरिष्ठ एडवोकेट हटकर, वरिष्ठ एडवोकेट ताजली मल्लस, एडवोकेट प्रवीण ढाले, एडवोकेट राठौड़ आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर दिग्रस बार एसोसिएशन के वकीलों और वरिष्ठ वकीलों ने दिग्रस न्यायालय से संबंधित विभिन्न मांगों का ज्ञापन मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपुर के न्यायाधीश वीएम देशपांडे को सौंपा। इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत गाकर किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एडवोकेट फरहाद वर्षानी, एडवोकेट गणेश दूधे, एडवोकेट गिरीश दलवी, एडवोकेट अजय पवार, एडवोकेट गणेश दुर्गे, एडवोकेट जावेद शेख, एडवोकेट शब्बीर खान, एडवोकेट सागर राठौड़, एडवोकेट शाहरुख शेख आदि ने योगदान दिया। BCN न्यूज के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट।